जिहाद के मामले में खुलासे को लेकर पुलिस का जनता ने सम्मान किया। उस अवसर पर आगरा एसपी वेस्ट रवि कुमार को फूल मालाओं और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही सीओ खैरागढ़ प्रदीप कुमार को भी साफा बांधकर सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि जनता की ओर से पुलिस टीम के सम्मान का कार्यक्रम का आयोजन थाना इराजत नगर परिसर में किया गया। और कटीली तारों की फेसिंग करवाकर फसल को बचाने के फार्मूले फेल होने के बाद आगरा के किसान ने अपने आप में अनोखा प्रयोग कर डाला। डौकी थाना क्षेत्र के गांव बमरौली कटारा के रहने वाले हाईटेक किसान गोविंद रावत ने 22 बीघा खेतों की निगरानी के लिए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। गांव में ये पहला मामला है। गोविंद रावत ने ट्यूबवेल की ऊंचाई दीवारों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए और गोविंद रावत बताते हैं कि उन्होंने कुछ समय पहले हजारों रुपये खर्च करके खेतों के किनारे कटीले तारों की फेसिंग कराई थी, जिससे असामाजिक तत्व धीमे धीमे कर फेसिंग को काट लेते हैं। सर, मामला तो यह है कि खेतों पे 2400 घंटे किसान की रखवाली कर पाना असंभव है, और थोड़ा बहुत आप घर भी जाएंगे, घर के ज़रूरी काम भी होंगे, उस वक्त कोई रहता है नहीं, तो या जंगली जानवरों से रक्षा, उसके लिए हमने ये तार बाउंड्री कराई। और तार बाउंड्री में क्या है कि स्थानीय चोर उचक के उन तारों को काट ले जाते थे, तो उस चक्कर में उनके ऊपर जो निगरानी बनी रहे उस चक्कर में ये कैमरे लगवाने पड़े। क्योंकि उससे जो है हमको प्रेरणा मिली है कि हम भी लगाने का विचार कर रहे हैं। लगता है कि फायदा कुछ सीसीटीवी लगवाने से? बहुत फायदा है साहब। क्या क्या फायदे हैं? अरे, इससे जंगली जानवर, चोर वगैरह ये दिखाई जा सके। आगरा